नेहा, बाबा ने कहा था ना सुबह जालन का धारा खुद ही रास्ता बनाता है। I'm sorry अब्बा, मैं आप पर शक करती रही। Congratulations. Thank you sir. प्रोफेसर साहब, I must say आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। लो भाई आदम, क्या बात है, जिस चीज के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे थे अल्लाह ने खुद ब खुद नेहा की झोली में डाल दिया। किस चीज के लिए मजबूर कर रहे थे? वो मैंने सर को कहा था कि मेरे 4 मार्क्स काट दें ताकि तुम्हारी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। आला ज़र्फ़ी में तुम भी किसी से कम नहीं हो आदम। अच्छा, आपसे प्रोफेसर जाबे से ही सीखी मैंने ये आला ज़र्फ़ी। अब्बा डाल दी ना दूध में मैंगनी, कभी खुलकर खुश होने ना दिया। बहुत बहुत मुबारक हो नेहा, ये तुम्हारी पोजीशन थी। Anyways, Adam, never underestimate yourself. सिर्फ 2-4 नंबर की हेर फेर है, पासा कभी भी पलट सकता है। जी सर। Give more time to studies. Okay? Good job, Neha. बहुत बहुत मुबारक हो नेहा, ये पोजीशन तुम्हारी ही थी। आइए आइए, आप भी मुझे 21 तोपों की सलामी देने आए हैं। वाह सर वाह, एक तो तोप के आगे खड़ा करके आपने मुझे उड़ा दिया और अब सलामी भी मैं पेश करूं। क्या मतलब भाई, क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो बैंड बजा दी सर आपकी जमीर ने, एक सोई हुई चीज को जरूर उठाना था आपने। मैं कौन सा जमीर, कैसा जमीर, अपने हाथ से कौन अपने सर में खाक डालता है यार। सर आपकी खाक तो फिर भी बहुत कीमती है, असल नुकसान तो मेरा हुआ है ना। और जो मेरे ऊपर जबरदस्ती गुलपाशी की जा रही है उसका क्या मतलब, किसी ईविल जीनियस ने मेरा अकाउंट हैक किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन हो सकता है जिसको कुतुब की बेटी में इस कदर दिलचस्पी है। भाई भाई भाई, गेस व्हाट, साशा ने इंग्लिश टीचर का अकाउंट हैक कर लिया। वो कैसे? आईटी का कीड़ा है वो, बहुत दिमाग चलता है उसका। दिसंबर के टेस्ट की कॉपी भी उड़ा ली उसने उनके अकाउंट से। तो क्या फुल बटर फुल मार्क्स आएंगे हम दोनों को? ये तो बहुत गलत बात है, बिलीव तुम्हें इससे रोकना चाहिए था। मैं क्या करूं, हैकिंग उसकी फेवरेट हॉबी है, देखना बड़ों के हैकर बनेगी वो। अब तुम ही बताओ क्या करूं, अगर मानता हूं तो जलील होता हूं और अगर नहीं मानता तो यूके की रिसर्च का चांस हाथ से जाता। सर आप अपने यूके का टिकट कटवा लें, अपनी जंग में खुद लड़ूंगा। सारा मजाक किरकिरा कर दिया बने यार, पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है ये आदम सुल्तान ने उन पर। जादू नहीं, परमा बदाई और ताबेदारी का ढोंग रचाता उनके सामने। बेटा ये ढोंग ज्यादा देर नहीं चलेगा। कैसे कह रहा था? मैंने कहा था सर को कि मेरे 4 नंबर्स का दिल चौरा तो उसकी जुबान काट दूं सिल्वर स्पून की। पता नहीं ऐसा लग रहा था किसी रोते हुए ड्रामे सीरियल की कोई बहू है। ड्रामेबाजी है सब। वैसे मुझे तो प्रोफेसर जाबिर की ये आला जर्फ भी ना बड़ी फेक लग रही थी। मम्मा की कॉल आ रही है, मैं भी। कटवा दिए 4 नंबर अब्बा के सामने, कैसे कर लेते इतनी फेक एक्टिंग। शुक्र करो कि अपने नंबर कटवाए थे, उनकी नाक नहीं कटवाई, तुम्हारा वो भांडा फोड़ कर। कौन सा भांडा? नेहा कुतुबुद्दीन, जितना मैं सर जाबिर को जानता हूँ उससे डबल में तुम्हारी एक